दोस्तों आज हम आपको बताएंगे स्नैपड्रैगन 865 के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिशियली स्नैपड्रैगन की तरफ से हमें बहुत सारे चीजें पता चला है कि इसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, कितना बेहतर प्रोसेसर इस बार स्नैपड्रैगन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा और साथ में कितना अच्छा AI परफॉर्मेंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आज तक का सबसे फास्टेस्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर होने वाला है स्नैपड्रैगन की तरफ से। साथ में इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन एलीट फीचर भी मिलेगा। स्नैपड्रैगन एलीट फीचर का मतलब है जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम में जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, मतलब जो कलर्स है बहुत ही रिच मिलेंगे और क्लेरिटी नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। और यहाँ पर पहली बार स्नैपड्रैगन की तरफ से एक ऐसा फीचर मिलेगा शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिले। इस बार आपको स्नैपड्रैगन 865 में ड्राइवर अपडेट का फीचर मिलेगा। इसका मतलब अगर सोचिए कि आप स्नैपड्रैगन 865 यूज कर रहे हैं तो ये आप अपने प्ले स्टोर में, मतलब गूगल प्ले स्टोर में आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में एनवीडिया या फिर एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि उनके जो ग्राफिक्स ड्राइवर है उनको आप अपडेट कर सकते हैं, मतलब आपके गेम के अनुसार आप जब उसको अपडेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल का आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस ड्राइवर अपडेट के थ्रू आप अपने प्रोसेसर को अपडेट नहीं कर रहे, मतलब आपके पास स्नैपड्रैगन 865 है तो आप ऐसा मत सोचिए कि अपडेट करने के बाद आपका प्रोसेसर 875 हो जाएगा या 865 प्लस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो GPU है उसका ड्राइवर सिर्फ अपडेट होगा। और यहाँ पर और कुछ चीजों की बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 में आपको AI में बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाएगा, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इस प्रोसेसर मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो AI है और भी फास्टर और क्लेवर होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा स्मार्टर होगा, क्योंकि इसको अगर पिछले साल के कुछ प्रोसेसर्स के साथ जैसे स्नैपड्रैगन 845 के साथ अगर कंपेयर करें तो इसमें आपको 5 गुना फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगा। जी हाँ, 5 गुना फास्टर AI फैसिलिटी आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप 855 के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको 2 टाइम फास्टर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और साथ में इसके कुछ और AI फैसिलिटीज की बात करें तो जैसे सोचिए कि आप कोई पिक्चर क्लिक करें तो ये इंस्टेंटली फिगर आउट कर लेगा कि आप किस चीज के ऊपर फोटो क्लिक कर रहे हैं। जैसे सोचिए कि आप कोई ह्यूमन बीइंग के सामने फोटो क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट करेगा कि आपका स्किन टोन कैसा है, आपका आईब्रोज, आईज, मतलब फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड, हर एक चीज को ये ऑप्टिमाइज करके एकदम स्कैन करके देखेगा। पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको भी रिड्यूस करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना फास्ट ये करने वाला है। और जैसे हम कैमरे की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर और कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 में आपको कैमरे में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको 4K 120fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और साथ में इसके अंदर आपको स्लो मोशन में 960fps में वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। तो आप शायद सोचेंगे कि बहुत सारे फोन्स में अभी आपको मिल जाते हैं 960fps में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको बताऊं आप जब भी 960fps में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो जो वीडियो साइज है ये बहुत ही छोटा मिलता है, मतलब एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जैसे 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए, लेकिन इस बार स्नैपड्रैगन 865 में आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लगभग 10 मिनट्स तक आप 960fps में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और इसमें जो जूम इन फीचर मिलेगा, जैसे सोचिए कि आप फोन में जूम कर रहे हैं तो जूम करने के दौरान आपको पता होगा कि जो फ्रेम ड्रॉप मिलता है जो थोड़ा सा लैगी या थोड़ा सा क्रैक ट्रैक का होता है, लेकिन वो चीज आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इस बार आपको एकदम स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा, मतलब कोई भी फ्रेम ड्रॉप इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार स्नैपड्रैगन 865 में आपको 200 मेगापिक्सल कैमरे का भी सपोर्ट मिल जाएगा और साथ में ये वीडियो शूट कर पाएगा 8K 30fps में। और इस बार स्नैपड्रैगन 865 में आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर पाएंगे। जैसे आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में एक ही फिंगरप्रिंट से आप रजिस्टर किए रहते हैं और एक ही फिंगरप्रिंट से आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं, लेकिन इस बार आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट रजिस्टर करके जैसे आप दो फिंगर के रजिस्टर से आप अपने फोन को अनलॉक कर पाएंगे, तो ये ज्यादा सिक्योर हो जाता है। हाँ, ये चीज थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगता है, लेकिन इससे आपका फोन और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से अजीब तरीके का चीजें स्नैपड्रैगन 865 में आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनली अब हम बात करेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो इस बार स्नैपड्रैगन 865 में आपको फास्टर कनेक्टिविटी मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर 5G का सपोर्ट इनबिल्ट तो मिलेगा ही, मतलब 865 में आपको 5G सपोर्ट पहले से मिल जाएगा। और साथ में अगर 4G की बात करें तो आपको पता होगा कि कुछ फोन्स में 4G में भी इश्यूज आते हैं, मतलब कभी कभी कहीं पर कनेक्टिविटी नहीं मिलता है सही से, तो इस बार ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे। और साथ में इसके 5G स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको 7.5 Gbps का स्पीड मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको 7.5 Gbps का स्पीड मिलेगा।
तो यहाँ पर आप सब सोच रहे होंगे कि भाई मैं Snapdragon 845 यूज करता हूँ या फिर Snapdragon 855 का प्रोसेसर यूज करता हूँ, तो क्या हमने गलती किया, मतलब हमें क्या वेट करना चाहिए था Snapdragon 865 के लिए? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप PUBG या फिर कोई गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो आपको उतना ज्यादा परफॉर्मेंस इशू नहीं मिलेगा, मतलब आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा प्रोसेसर वाइज, क्योंकि अगर आपके पास Snapdragon 845 का प्रोसेसर है और आपके किसी दोस्त के पास Snapdragon 855 का प्रोसेसर है तो आपको उतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास Snapdragon 855 का प्रोसेसर है और आने वाले दिनों में जब Snapdragon 865 आएगा तो आपको उतना ज्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है कि यहाँ पर AI में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको Snapdragon 865 में मिलेगा और कैमरे में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा चीजें आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा Snapdragon 865 में। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कौन से फोन में आपको Snapdragon 865 मिलता है और क्या क्या नए फीचर आगे चल के हमें पता चलता है, तो ये हर एक चीज मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियोस रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।